कक्षा 9वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो फाइल लिए। आपके यहाँ पे हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट हो तो आपको भी यही पेपर देखना, क्योंकि जो यहाँ पर सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले हैं और सभी जिलों में यहाँ पर सेम पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को बिल्कुल यही पेपर याद करना है क्योंकि बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला। साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले। ठीक है, और साथ वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर थे हरदवासी 25/2/23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके आते निर्देश, सही प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, कुल 30/19 प्रश्न है। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला था कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, तो आपका था चढ़ाने को बात है इसे काली संकट सागर पर मरने हेतु, और साथ है प्रसन्न करने का और दाता कायरता दिखाने को। तो यहाँ पर कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बा, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। मैं आपका दूसरा था कबीर के काव्य का मूल स्वर है समाज सुधार का, बात राजनीतिक चेतना का और साथ है कृषि व्यवस्था का और दाता देश प्रेम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कबीर के काव्य का मूल स्वर है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा समाज सुधार का। तीसरा आता रसखान जन्म लेना चाहते हैं कश्मीर में, राजस्थान में, ब्रज में और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर रसखान जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ब्रज में। ठीक है, तो आपका तीसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा ब्रज में, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। चौथा आता गंगा की रेती किससे अंकित है, चांदनी से, रंगों से, बालू के सांपों से, हरियाली से। तो यहाँ पर गंगा की रेती किससे अंकित है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रंगों से। फिर आपका पांच माता मेघ कैसे आए हैं, बंठन के गजना करते हुए, चुपचाप या छिप छिप। तो यहाँ पर मेघ कैसे आए हैं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बंठन के। फिर आपका छह माता खेतों से दूर दूर तक क्या फैली हुई है, तो यहाँ पर खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा हरियाली। ठीक है, इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कम्प्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। यही पेपर आपका आने वाला सभी जिलों में। ठीक है, अब आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए जो 6 नंबर के आते हैं। चलिए जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो देख लेते हैं। तो पहला था ईश्वर तो सब श्वासों की डंडोट में मौजूद हैं, तो यहाँ पर ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में मौजूद हैं। ठीक है, श्वास आपका पहले का आंसर हो जाएगा श्वास। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा था सोने का घड़ा शराब से भरा है तो डंडोट निंदा ही करेंगे, तो यहाँ पर सोने का घड़ा शराब से भरा है तो साधु निंदा ही करेंगे, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर साधु हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा था पक्ष विपक्ष कारण सारा संसार अंधा पड़ा है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर अंधा हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता चौथा, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने माँ से यमराज के घर का डोंडट पूछा था। ठीक है, आप यहाँ पर थे मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो चौथे का आंसर आपका पता हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत हो जाता है, तो आपका पांचवे का आंसर रहेगा अमृत। छठवां आता क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के डोंडट दब गए हैं, तो आपका इसका आंसर रहेगा नीचे, छठवें का आंसर आपका नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, पहले का आंसर श्वास, दूसरे का आंसर आपका साधु, तीसरे का आंसर आपका अंधा और चौथे का आंसर आपका पता, पांचवें का आंसर आपका अमृत हो जाएगा, छठवें का आंसर नीचे। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब आती है सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की आती है, तो पहला आती है आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसमें आज करना आपको सरस्वती पत्रिका से। दूसरी आती है उपन्यास सम्राट, आपको पता होगा कि जो उपन्यास सम्राट है वो है आपके प्रेमचंद, तो प्रेमचंद से मैच कर देना। तीसरी आती है यात्रा का सजीव चित्रण, तो यहाँ पर यात्रा का सजीव चित्रण है वो आपके यात्रा व्रत हो जाएगा। फिर चौथा आता नाटक, नाटक में होते हैं कई अंक वाले, तो नाटक होते हैं कई अंक वाले, तो आपको यहाँ पर कई अंक वाले से मैच कर देना है। पाँचवा आता फणीश्वरनाथ रेणु, तो फणीश्वरनाथ रेणु है आपके आंचलिक उपन्यासकार, तो आपको यहाँ पर आंचलिक उपन्यासकार से मैच कर देना है। और छठवां आता उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाने का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। ठीक है, तो आपको यहाँ मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो कौन में आपको कौन सी मैच करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं।
अब आते हैं आपके एक भाग में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक मात्रिक चांद का नाम लिखिए। तो जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आपको खुद कर लेना। दूसरा था काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के होते हैं 2 भेद होते हैं, ठीक है, काव्य के 2 भेद होते हैं, ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा आता वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती सरकारी नहीं रहा या बाला, ठीक है, जो तीसरा तीसरे का आंसर भी आपको खुद कर लेना, हमको नहीं मिला। चौथा आता टोपी से हमेशा कीमतों क्या रहा है, तो यहाँ पर टोपी से हमेशा कीमतों जूता रहा है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर जूता। अब पांचवा आता महादेव वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी, तो यहाँ महादेव वर्मा ने पहली पुस्तक पढ़ी है पंचतंत्र, ठीक है, पाँचवें का आंसर रहेगा आपका पंचतंत्र। छठा आता सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर सर्वव्यापक पक्षी है आपका यहाँ पर मैना, ठीक है, मैना आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दूसरे का आंसर काव्य के 2 भेद होते हैं, और चौथे का आंसर आपका जूता, और पांचवें का आंसर आपका पंचतंत्र, और 6वें का आंसर मैना। जो पहला और तीसरा, पहले तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना है। अब आते हैं आपके सत्य असत्य कथन लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे, तो आपका पहला सत्य रहेगा। और दूसरा आता रसकरण के गुरु का नाम गो बैठल दास था, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा आता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो ये भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। चौथा था सुमतानंद पंत प्रगति प्रेमी कवि थे, तो ये भी सत्य रहेगा। पांचवा आता लद्दाख की रचना लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, तो ये भी सत्य रहेगा, सॉरी असत्य रहेगा। पांचवा आपका असत्य है। जो 6वां आता निराला की रचना कुकरमुत्ता है, तो ये भी सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख ली पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, और तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य भी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता मान सरोवर से कभी का क्या आशा है, अथवा था कभी माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। 7वां क्वेश्चन आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। साथ ही जो इनके उत्तर हैं वो भी हम कराने वाले हैं, वीडियो पूरा देखना क्योंकि यही पेपर आने वाला सभी जिलों में। 8वां आता अरहर और सनाई की खेत कभी को कैसे दिखाई देते हैं, अथवा आता 6 बात की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और फिर आपका 9वां क्वेश्चन था भक्ति काल के 2 कवि या प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा था कवि रसकान के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। आपके यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। फिर 10वां क्वेश्चन था दोहा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन था निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन था बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है, अथवा था हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। फिर 13वां क्वेश्चन था लता ने बदल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, अथवा आता महाकाव्य खंड का में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता 14वां क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण शैली लिखिए, अथवा आता रस किसे कहते रस के अंगों के नाम लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब चलिए जो आपका 15वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो पूरा आपको पेपर अच्छे से याद रट लेना है क्योंकि यही पेपर आपका आएगा। अथवा आता एक अंकी की 2 विशेषताएं लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, अथवा था मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। 17वां क्वेश्चन आता ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है, अथवा था मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आता 18वां क्वेश्चन जो कि आपका आता निम्नलिखित आपटी गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तर लिखिए, तो ये आपका आता आपटी गद्यांश, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है, तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तो जो आपके प्रश्न रहते हैं उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर काव्यांश कर सकते हैं जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे, अनुरक्त का विलोम लिखिए, आज कौन लज्जित हो रहे हैं, ठीक है। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेमी मिले ना कोई, इस तरह से आपके यहाँ पर 1 लाइन दी गई है। फिर आपके यहाँ पर दूसरी लाइन आती है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई, ठीक है। इसका अथवा आप यहाँ पर निम्नलिखित आपको यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है, और अथवा था निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंगता विशेष सहित व्याख्या लिखिए, तो आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष भी लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां क्वेश्चन था महादेव वर्मा व कबीर कन्या बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, दुरचना शैली साहित्य में स्थान, ठीक है। महादेव वर्मा कबीर दोनों पर आपको यहाँ पर लिखना, दुरचना फांसशैली और साहित्य में स्थान।
और फिर आपका आता निम्नलिखित में से कोई एक अनुच्छेद लेखन कीजिए, जीवन में पुस्तकों की उपयोगिता और जल है तो कल है। ठीक है, आपको दोनों में से एक पर अनुच्छेद लिखना है। 22वां क्वेश्चन, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, चयन नंबर क्वेश्चन है इसका, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए, कोई एक, विद्यार्थी जीवन, वृक्षों का महत्व, कंप्यूटर, आधुनिक युग का वरदान, मेरे प्रिय पुस्तक। तो आपका यहाँ पर निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्न का उत्तर आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।